उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मसौदा तैयार हो गया है। आयोग के ड्राफ्ट के लिए कमेटी ने नियमावली तैयार कर ली है। वही ड्राफ्ट में आयोग को केवल चयन प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी है, चयन के बाद विभाग को अधिकार तैनाती होगी। तो बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को तैनाती देने का अधिकार होगा। वहीं संबंधित विभाग को सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्राचार्य और शिक्षणेतर कर्मचारियों की तैनाती का अधिकार है। तो चयन के बाद अगले में 15 दिन में तैनाती देनी होगी और आयोग में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्यों की नियुक्ति का भी ड्राफ्ट तैयार हुआ है। वहीं आयोग के गठन का ड्राफ्ट जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। तो 17 दिसंबर 2019 को कैबिनेट ने गठन का मसौदा तैयार करने की मंजूरी दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बेसिक शिक्षा को लेकर यहां पर बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को तैनाती के अधिकार यहां पर दिए जाएंगे और कहा जा रहा है कि अब जो ड्राफ्ट फिलहाल तैयार किया गया है उस ड्राफ्ट को कैबिनेट में सामने रखा जाएगा और उसके बाद इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाएगी। तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मसौदा तैयार हो चुका है और अब कमेटी ने जो नियमावली तैयार की है, आयोग के लिए जो गठित की है, उसके चयन के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट में भी मंजूरी दे दी जाएगी। तो चयन के बाद विभाग को तैनाती का यहां पर अधिकार होगा, जहां पर चयन के बाद 15 दिन में तैनाती यहां पर देनी होगी। और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, तैयार जो हो चुका है वो ड्राफ्ट, अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर मंजूरी मिल जाए तो 15 दिन में जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर यहां पर कदम अब उठाने होंगे। फिलहाल किस तरह से इस पूरे फैसले को देखा जाए, ड्राफ्ट को देखा जाए, और कितना जरूरी है यूपी के लिए? बिल्कुल, फैसले को अगर समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में जो कर्मचारियों की जो सहायक अध्यापक, प्राचार्य और जो कर्मचारी शिक्षण कर्मचारी उनकी जो भर्ती होती है, उनमें जो अनियमितताएं देखने को मिलती है, उसको दूर करने के लिए योगी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी कि इसके चयन को लेकर एक आयोग का गठन करना बेहद जरूरी है। और इसके साथ 17 दिसंबर को कैबिनेट बैठक ने एक मंजूरी दी थी, इसमें आयोग के गठन का मसौदा तैयार करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। और अब जो आयोग के गठन के मसौदा तैयार करने के लिए जो 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट जो है अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें नियमावली तय की गई है आयोग के गठन को लेकर। एक अध्यक्ष के अलावा 7 जो सदस्य है उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव जो है इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया। और इसके अलावा साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि सेवा चयन आयोग को सिर्फ चयन प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार होगा, जो तैनाती का अधिकार होगा बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा विभाग को होगा। और संबंधित विभाग जो है चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 15 दिन के अंदर ही जिलों का आवंटन करेंगे और सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्राचार्य और जो शिक्षण जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति पूरी की जाएगी। तो इस तरह के तो नियम है, ड्राफ्ट तैयार किए गए और क्योंकि ये मसौदा सरकार को सौंप दिया गया तो ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द जब कैबिनेट बैठक होगी इसमें इस बार ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से अस्तित्व आ जाएगा। जी रितु जी, लेकिन हरेंद्र जी यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे, जो फिलहाल ड्राफ्ट तैयार किया है चयन को लेकर जो प्रक्रिया है वो आखिरकार क्या है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो प्रक्रिया है उस पे कई बार सवाल उठ जाते हैं, तो ऐसे में इसको तैयार किस तरह से किया गया है? आयोग की जिम्मेदारी न सिर्फ जो परिषदीय जो स्कूल है उनमें चयन की जिम्मेदारी होगी, बल्कि जो एडेड स्कूल है उसमें भी सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य और जो प्राचार्य है उनके चयन की, प्रवक्ताओं के चयन की जिम्मेदारी होगी। और इनके पास इस बात का अधिकार होगा जो चालू जो वित्तीय वर्ष है, चालू जो भर्ती वर्ष है उसके अंतिम दिन तक जो सेवानिवृत्ति जो होंगे, जो न सिर्फ जो शिक्षक कर्मचारी है बल्कि और अन्य जो कर्मचारी है उनकी भी भर्ती निकालने का अधिकार जो है चयन आयोग को दिया गया है। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर जो अलग अलग विभाग की तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है और
समय समय से हमने देखा कि जिस तरह से अनियमितताएं सामने आती है, कई बार कानूनी तरीकों की वजह से जो भर्ती प्रक्रिया लंबित हो जाती है, जिसके चलते जो नुकसान जो अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है और जो भर्तियों की संख्या जो रिक्त हो जाती है, उसको देखते हुए एक बेहद अहम कदम माना जाएगा। और जब चयन आयोग अस्तित्व में आएगा उसके बाद जो चयन प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जाहिर सी बात है, न सिर्फ पारदर्शी होगी बल्कि जल्द से जल्द इसको पूरी किया जाएगा। और सीधे तौर पर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।